नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन पांडे बाली सीसीटीवी से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईपी एड्रेस में कैसे हम ब्रॉडकास्ट आईपी निकालेंगे, कैसे हम नेटवर्क आईपी निकालेंगे एंड कैसे यूजेबल आईपी निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ आपको लाइव दिखाऊंगा। सपोज मेरे को एक आईपी एड्रेस दिया है, मोस्टली इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, या कहीं आप एग्जाम दे रहे हो सीसीएनई का, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक आईपी दिया है 198.168.179.30। ये हमें आईपी एड्रेस दिया हुआ है, उसमें हमसे पूछा है कि ये कौन सा आईपी एड्रेस है, मतलब ये ब्रॉडकास्ट आईपी है नेटवर्क आईपी है या यूजेबल आईपी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मास्किंग हमारा क्लियर होना चाहिए। /30 की वैल्यू में जब भी हमें पूछा जाता है, /30 की वैल्यू हमारा जो मास्किंग होता है वो 252 होता है। ये आपको मास्किंग याद करनी पड़ेगी, /30 में हमारा क्या होता है, 252 होता है। तो इस पे हमें यहां से जो ये आईपी एड्रेस दिया है यहां तक 52 है, तो 3 ऑक्टेट हमारा जो है /30 है ना, तो 8 का हम टेबल पढ़ेंगे, 8 के टेबल में हमारा 8 3 24, 8 3 24 होता है, तो 3 ऑक्टेट हमारे पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहां तक हमारा जो रहेगा वो सबनेट रहेगा 255 लास्ट में हमारा 252। इसका मैं बताऊंगा आपको कैसे ये याद करना पड़ेगा, ये आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा 252 हमारा क्या है, सबनेट मास्क, ठीक है, सबनेट, ठीक है, समझ आ रही। तो सबनेट मास्क हमारा क्या है, 252 है, क्या है, 252। हमें इसमें ब्लॉक साइज निकालना होता है, क्या निकालना होता है, ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मतलब ब्लॉक साइज मतलब हम कितना हमारा वो उस आईपी का रेंज हो रहा होगा, मतलब कहां से नेटवर्क आईपी से ब्रॉडकास्ट आईपी तक के बीच का रेंज, उसको बोलेंगे हम ब्लॉक साइज। क्या बोलेंगे, ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 256 में से 252 माइनस करेंगे, सॉरी 256 में से 252 माइनस करेंगे, तो कितना आता है हमारा, 4 आ गया। इसी 4 से जो हमारा फोर्थ ऑक्टेट में जो है, इसको हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 का हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भाग देना पड़ेगा, भाग देना तो सबको आता ही डिवाइड करना, ठीक है। तो 179 को हम क्या करेंगे, 4 4 16, 1 9, 4 4 16, कितना बचा, 3। जो ये रिमाइंडर है, जो ये शेष जो बच गया है, इसको हम आगे, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेटवर्क का आईपी जो आएगा, जो हमारा नेटवर्क का आईपी आएगा वो ठीक है,
एनआईडी जो आएगी, नेटवर्क आईडी जो आएगी वो क्या आएगी, इसमें फोर का इन जो भी कंप्लीट जो हमारा डिवाइड हुआ है उसका जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी। फोर इंटू 44 कितना हो गया, 4 4 16, 4 4 16 176। ये हमारा क्या हो गया, नेटवर्क आईडी हो गया, क्या आएगा, नेटवर्क आईडी हो गया। तो हमारा अब हमें क्या चाहिए, आईपी रेंज वैलिड, आईपी रेंज वैलिड। आईपी रेंज के लिए क्या करते हैं हम, टू दी पावर एन माइनस टू, ये फॉर्मूला होता है इसका, टू दी पावर एन माइनस टू। तो एन कैसे निकालते हैं हम, नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं आपको। एन हम निकालेंगे, एन की वैल्यू निकलती है हमारी, टोटल हमारे कितने होते हैं, 32 होते हैं, 32 माइनस जो स्लैश वैल्यू दिया है ये आ गया 2। तो 2 दी पावर एन माइनस 2 बताया था, तो 2 दी पावर 2 माइनस 2, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये हमारी क्या आएगी, वैलिड आईपी, मतलब हमारे दो वैलिड आईपी होंगे इसमें, कितने होंगे, दो वैलिड आईपी होंगे इस इसमें जो हमारा आईपी दिया है, इसमें दो वैलिड आईपी होंगे, ठीक है। अब वो दो वैलिड आईपी क्या हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे। अभी हमने ब्लॉक साइज निकाल दिया, ब्लॉक साइज मतलब 4 का ब्लॉक साइज होगा इस 30 वैल्यू में, सबनेट मास्क हमने निकाल दिया, ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, वैलिड आईपी का रेंज हमें कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आईपी हमारा क्या हो गया, हमने निकाला था ना 176, तो वहां तक सेम रहेगा हमारा 198 डॉट क्या था 168 डॉट 189 डॉट 189 डॉट 176। ये क्या हमारा नेटवर्क आईडी, क्या है, नेटवर्क आईडी। हमने क्या बोला था, ब्लॉक साइज हमारा कितना है, ब्लॉक साइज कितना है, 4, ठीक है। तो ब्लॉक साइज हमेशा नेटवर्क आईडी में ऐड कर देते हैं, तो 176 प्लस 4 कितना हो गया, 4। अभी नया मैंने ये लिया है तो इसलिए इतना हाथ साफ नहीं हुआ है, तो 180 आ गया, से कितना आ गया 180। तो इसमें हम कितना करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 180 डॉट 180। ये 180 क्या हो गया, 198 डॉट 168 डॉट 189 डॉट 180। ये हमारा नेक्स्ट नेटवर्क आईडी हो गया, क्या हो गया, नेटवर्क आईडी। हमारा इससे पहले क्या आएगा, 179 आएगा, 179। ये क्या हो गया हमारा 179, यहां तक सेम रहेगा ये 198 डॉट 168 डॉट 189 डॉट 179। ये हमारा जाएगा क्या, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी होगी। हमारा बचा क्या, यहां से 177 एंड 178। ये दो आईपी हम इसको क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, ये दो आईपी हम यूज कर सकते हैं। ये क्या है, वैलिड आईपी है, ये क्या है, वैलिड आईपी, मतलब इन दो आईपी को ही हम अपने पीसी राउटर में असाइन कर सकते हैं। इसको वेरीफाई भी कराता हूं आपको, ठीक है। तो वेरीफाई करने से पहले मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जहां तक ये है, ये तीन ऑक्टेट,
ये हमें एज इट लिख देना है, जैसे हमारा आईपी एड्रेस है वैसे हमें ये क्या करना है, यहाँ पर 255 तक यहाँ पर सेम लिख देना है। स्लैश 30 का क्या होता है हमारा 252 होता है, 252 हमारा सबनेट मास्क होता है। ये आपके मास्किंग याद करनी पड़ेगी, या इसका फॉर्मूला होना चाहिए कैसे निकालते हैं। अभी मैं शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें 252 हमें पता है कि हमारा मास्क है, आपको क्या करना है ब्लॉक साइज निकालना है। ब्लॉक साइज के लिए क्या करेंगे, 256 में से 252 माइनस करके 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद उस 4 से हम 179 को, जो हमारा ये वाला है, इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आएगा इसको मल्टीप्लाई करके 176 आएगा, मतलब जो हमारा पूर्ण डिवाइड हो रहा है वो 176 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये 176 क्या हो गया, नेटवर्क आईपी, नेटवर्क आईडी हो गया ये। मतलब कोई भी हमें आईपी रेंज दिया है तो पहला जो आईपी हमारा हो गया 176 हो गया इसका, 198.168.189.176, ठीक है। ब्लॉक साइज हमारा क्या है, 4 है, तो इसमें हम 4 ऐड करके इसका नेक्स्ट नेटवर्क आईडी निकाल देंगे। तो हमारा नेक्स्ट नेटवर्क आईडी आया, ये आया 180, ठीक है। तो 179 जो हमारा हो गया ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। तो हमेशा हम क्या करते हैं, दो आईपी हम उसको छोड़ देते हैं, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। उसका यूज क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब आपका क्या है, दो आईपी हमारी वैलिड आईपी जो होगी हमारी, दो आईपी हो गई, हमने निकाला था वैलिड आईपी रेंज 2 आ गया था। तो हमारा वैलिड आईपी क्या होगी, 177 एंड 178। इसका मैं आपको वो दिखाऊंगा प्रूफ करके। इसका प्रूफ कैसे करना है, जैसे मैं अपने अभी मैं अपने लैपटॉप पर जा रहा हूँ, मैं गया ncpa.cpl। हमें क्या करना है, ये आईपी अपने लैन को दे रहा हूँ मैं, अभी मेरा लैन अनप्लग है, मेरा वाईफाई से मेरा कनेक्टेड है। अब इसी सीरीज का आईपी मैं अपने लैन पे दूंगा, तो ये एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा देखना। मैंने बोला कि हमारा जो यूजेबल आईपी है ये है 177 से 178। अब मैं इस पर आईपी दे रहा हूँ 177 से था ना, अगर मैं इसमें 179 देता हूँ, ठीक है, और मास्किंग में करता हूँ 252, और मैं देता हूँ 198 168 189 177, ठीक है। जैसे मैंने आईपी दिया इसने एक्सेप्ट नहीं किया, द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड, ऑल ऑफ द बिट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस आर सेट टू 1। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत दिया हमने। अब 177 देता हूं मैं, अभी 177 मैंने यहां 178 दे दिया मैंने, और हमने गेटवे क्या दिया 177, इसको एक्सेप्ट कर लिया इसने, ठीक है। अब मैं 180 देता हूं, उसको भी नहीं लेगा ये, नहीं लेगा। 176 देता हूं, उसको लेगा नहीं लेगा, क्योंकि 176 क्या हमारा नेटवर्क आईडी है, उसको भी इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमारा जो ये सबनेट मास्क जो है, सबनेट मास्क पे पूरा खेल है, उसके अकॉर्डिंग हमारी आईपी एड्रेस हम उसको असाइन कर सकते हैं। किसी भी राउटर या पीसी को जब भी हम आईपी देते हैं, सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग हम उसकी नेटवर्किंग करते हैं, सबनेटिंग जो बोलते हैं। तो आपको ये वेरीफाई करा दिया है, शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको आईपी निकालना है। इस पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए /30 में कौन सा होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।